सुन रहे हैं लॉ का ऑडियोनामा प्रीति अग्रवाल लॉ बनाए आसान वेलकम टू एपिसोड टू कुछ तुम कहो कुछ हम कहें स्टूडेंट्स पिछली बार हमने डिस्कस किए थे सारे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे प्रोविजंस रिलेडिंग टू ऑफ़र एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस एंड प्रोविजंस रिलेडिंग टू लैप्स ऑफ ऑफ़र तो चलो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑफ़र के बारे में ऑफ़र इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन टू क्लॉज ए ऑफ़ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन और कैसे डिफाइंड किया है डेफिनेशन हमें एज इट इज़ याद रखनी है तो सुन लो एक बार वेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज़ विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्राम डूइंग एनी थिंग विद्यू टू ऑप्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पर्सन ही इज सेट टू हैव मेड अ प्रपोजल तो सबसे पहले हम ऑफर देंगे ऑफर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही हमने ऑफ़र दे दिया सामने वाली पार्टी को उसके बारे में पता चल गया तो वो इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है अगर एक्सेप्ट कर लिया तो एक प्रोमिस बन जाएगा जो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है और अगर हमारा ऑफ़र उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आवर ऑफ़र विल लैप्स तो ऑफ़र सबसे पहले ही आएगा ऑफ़र मजब बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं वॉट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ़र ऑफ़र की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आएगा जनरल ऑफ़र ये टाइप्स ऑफ ऑफ़र है अगर मैं आपको एक लिस्ट दूं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल ऑफ़र स्पेसिफिक ऑफर और स्पेशल ऑफ़र दैन क्रॉस ऑफर काउंटर ऑफ़र स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर एक्सप्रेस ऑफर एंड एम्प्लाइड ऑफर तो इसे बार बार आप रीप्ले कर सकते हो पीछे जाके आप दोबारा से सुन लेना ये प्रोविजन ये क्लासीफिकेशन आपको याद हो जाएगी जनरल ऑफर क्या होता है जनरल ऑफ़र इज़ एन ऑफ़र विच इज़ मेड टू दब्लिक इन जनरल इसे कौन एक्सेप्ट कर सकता है एनी वन हुज़ नॉलेज ऑफ द ऑफ़र फिर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर दिस ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन ओनली तो जिसे ऑफर दिया है सिर्फ वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है थर्ड वी हैव क्रॉस ऑफर ये लिस्ट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है लाइन से क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में सब ऑफर के टाइप्स लिखने का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कोई भी एक टाइप ऑफ ऑफर पे मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा क्रॉस क्रॉस ऑफर 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 क्या होता है इज एन वेर वी एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर दो पार्टीज एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो सेम ऑफर दे रहे हैं तो यहाँ पर मेरे कीवर्ड्स क्या होंगे सबसे पहले तो मुझे ध्यान में रख रखना है आइडेंटिकल ऑफ़र इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर्स तो आइडेंटिकल ऑफ़र इग्नोरेंस ये मेरे की वर्ड्स हैं तो कैन आई से कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को ऑफ़र दे रहे हैं तो देर आर टू सेपरेट ऑफर्स देर इज़ नो एक्सेप्टेंस दिस विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो आप क्या वर्ड्स याद रखोगे क्रॉस ऑफर में आइडेंटिकल ऑफ़र इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर देर आर टू सेपरेट ऑफर्स देर इज़ नो एक्सेप्टेंस नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इन टू एक्सिस्टेंस फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं काउंटर ऑफर दिस इज नार्गेनिंग मैंने ऑफर दिया आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वेरिएशन कर दिए इन दिजिनल ऑफर डॉट अमाउंट टू एक्सेप्ट ऑल टूगेदर तो ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है और हम एक नया ही ऑफर देते हैं विच इज नोन एज काउंटर ऑफर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन दैन वी हैव स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर इसमें स्टूडेंट्स याद रखना टेंडर वाला एग्जाम्पल आता है हमेशा ठीक है टेंडर तो ये स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर क्या होता है इट इज़ एन ऑफर विच इज़ अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो एक पीरियड के लिए वो एक्सेप्ट कर सकते हो आप कितनी बार भी उसे एक्सेप्ट कर सकते हो एंड ईच एक्सेप्ट Each order, that is each type of acceptance, हर बार जब हम एक्सेप्ट करेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज एपरेटर तो टेंडर की अगर हम बात कर लेते हैं तो so, एग्जाम्पल लेना यहां पर जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आया तो जो एक्साम्पल मैं आपको बताने वाली हूँ उसी पर क्वेश्चन आएगा जैसे लेट से फॉर एग्जांपल कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उन्हें एक फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है अब फ्लाईओवर एक साल या पंद्रह बीस दिन में तो बनेगा नहीं उसे कई साल लग जाते तो मान लो कि ये टारगेट है कि दो साल में फ्लाई बन जाएगा तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है फ्लाई बनाने का दो साल के अंदर अब फ्लाई ओवर बनाना है तो मुझे सीमेंट की ज़रूरत है तो सीमेंट के लिए उन्होंने फिर टेंडर्स इनवाइट किए बोला सप्लायर मुझे वन लाख सीमेंट बैग्स की ज़रूरत है बताओ सीमेंट कितने में सप्लाई करोगे तो बहुत लोगों ने फिर ऑफ़र दिया तो जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड पी क्यू आर इन सब लोगों ने ऑफ़र दिया कि हम ये प्राइस पे सप्लाई करेंगे जेड का ऑफ़र सबसे बेस्ट था सबसे कम प्राइस में वो सीमेंट सप्लाई कर रहा था तो हमने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया अब हम उससे बोलते हैं देखो वन लाख सीमेंट बैग्स मुझे अभी के अभी नहीं चाहिए इतने बैग्स मैं कहाँ पर रखूंगा मेरे यहाँ पे तो जगह भी नहीं है तो जेड बोलते हैं अरे डोंट वरी मेरा तो ओपन ऑफर है तुमको जब जितने बैग्स चाहिए तभी बता देना तो ए लिमिटेड फिर बैग्स का ऑर्डर देने लगी ऐसे करके दो साल में उन्होंने एक लाख सीमेंट बैग्स का ऑर्डर दे दिया ईच ऑर्डर प्लेसड इज कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस ऑफ द ओपन ऑफर ऑफ जेड जेड का जो ऑफर है इट इज़ ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स क्योंकि दो साल लगने वाले हैं वो फ्लाई ओवर बनने के लिए और ए जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो दो साल में ये ऑर्डर्स देने वाली है तो दो साल तक ये ऑफर जो ओपन रहता है फॉर एक्सेप्टेंस दैट इज़ नोन एज स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर तो ठीक है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मोस्टली इसी पर आएगा फिर हम आ जाते हैं एक्सप्रेस ऑफर की तरफ एक्सप्रेस तो मुझे पता है इट मीन्स इट इज मेड इन वर्ड्स ओरल और रिटर्न इम्प्लाइड ऑफर में वर्ड्स नहीं होते हैं इट इज मेड अदरवाइज इन वर्ड्स इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और सकमस्टांसिस ऑफ द केस यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पर केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो अगर हम देख ले इम्प्लाइड ऑफ़र में वर्ड्स यूज़ नहीं किए लेकिन फिर भी ऑफ़र हो जाता है जैसे मान लो आप आई की बिडिंग देख रहे हो तो जो टीम्स हैं वो अपना कार्ड रेज करती हैं इट मीन्स दे वॉन्ट टू बिड दैट्स एन इम्प्लाइड ऑफ़र बस रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट इट्स एन एम्प्लाइड ऑफर कि भाई मैं तो यहाँ पर जा रही हूँ तुमको आना है तो बैठ जाओ फिर हम बैठ जाते हैं दैट इज़ एम्प्लाइड एक्सेप्टेंस वर्ड्स आर नॉट यूज इट इज़ अंडरस्टूड फ्रॉम आवर एक्शन या फिर कंडक्ट तो स्टूडेंट्स ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूल्स ऑफ ऑफर यहाँ पर मैंने एक निमोनिक बनाया है तो आपके पास अगर पेन या पेपर है या आपके आप मेरी बुक रेफर कर रहे हो तो वहाँ पर रूल्स ऑफ ऑफर के यहाँ पे साइड में लिख दो वेन अ पर्सन डाइज तो हम क्या लेते हैं डी आई ई डाई ठीक है तो आप लिखोगे डी आई ई और उसके नीचे लिखोगे एक छोटा सा सी जी एस टी एल सी सो अ पर्सन डाइज उसके नेम का क्या प्रूफ हम ले सकते हैं जी एस टी या एल सी लिविंग सर्टिफिकेट ये बस ऐसे ही मैंने निमोनिक बनाया है क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि यू uh, नो you know, एकदम परफेक्ट निमोनिक बन जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ पर एडजस्ट किया है मैंने तो आपके पास मेरी बुक होगी तो वहाँ पर आप लिख सकते हो रूल्स ऑफ उफ ऑफ़र के अगेंस्ट डी आई ई -E, छोटा सा सी जी एस टी एल सी अच्छा तो यहाँ पर जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हम इसी निमोनिक के हेल्प uh, से पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो मैंने डी लिया है ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट तो डेफिनेट वाला डी मैंने लिया है इट मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग बिल्कुल भी वेग या अनक्लियर नहीं होना चाहिए जो भी आप दे रहे हो ऑफर उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली मैंशन होने चाहिए अगर कोई कन्फ्यूजन है देन दैट विल नॉट बी अ वैलिड ऑफर इट कैन नॉट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस तो डी सबसे पहले बोलता है ऑफ़र मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेक आई जो है वो बोलता है ऑफ़र मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन तो ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या फ़र्क है ऑफ़र जो होता है दैट इज़ वेरी डेफिनेट इट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इमिजिएटली ये बेसिकली uh, एक फाइनल विलिंगनेस होती है कि हाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है तुम फटाफट जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट भी कर सकते हैं इन्विटेशन टू ऑफ़र ऑन द अदर हैंड इज ओनली अ सर्क्यूलेशन ऑफ ऑफर एंड इट कम्स बिफोर अ डेफिनेट ऑफर तो ये ऑफर नहीं होता है ये उसके पहले आता है ये नेगोसिएशन इन्वाइट करता है ये आप इमिजिएटली एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते मुझे कैसे समझ में आएगा कि ऑफ़र है या इन्विटेशन टू ऑफर है तो आपको बेसिकली पर्सन की इंटेंशन देखनी है कि वो क्या इंटेंशन से ये दे रहा है

तो उस हिसाब से आप डिस्टिंग्विश करोगे कि वेदर इट इज़ ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ आप पढ़ के जाओगे फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेज बूट्स कैश केमिस्ट सदन लिमिटेड एंड यू विल ऑल्सो स्टडी द केस लॉ आर वी वर्सिस फे तो ये दोनों जो हैं केस लॉज ये इनविटेशन टू ऑफर से रिलेटेड हैं प्लीज़ रिमेंबर स्टूडेंट्स फार्मासूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेज बूट्स कैश केमिस्ट सदन लिमिटेड इस पे बहुत बार केस बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं हमारे कंपाइलर में आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद फुल लेंथ आंसर्स एज एक्सपेक्टेड बाय आई वहां पर हमने प्रॉपरली उसको क्लासिफाई किया है कि प्रोविजन्स में आप क्या लिखोगे केस लॉ कितने हद तक एक्सप्लेन करना है देन वॉट विल यू राइट इन फैक्ट्स ऑफ द केस जो फॉर्मैट फॉलो करना है अनालिसिस एंड कंक्लूशन एक बार मेरे साथ फिर से इसका नाम बोलो Pharmaceutical Society of Great Britain versus Boots Cash Chemist Southern Limited. एक लास्ट बार हम बोलेंगे ताकि याद हो जाए Pharmaceutical Society of Great Britain versus Boots Cash Chemist Southern Limited. तो अब तक हमने क्या देखा D that is offer must be certain, definite and not vague. I offer must be distinguished from invitation to offer. और अब पढ़ लेते हैं E जो बात करता है offer may be expressed or इम्प्लाइड, एक्सप्रेस्ड ऑफ इट मीन्स कि आप वर्ड्स यूज कर रहे हो आधर ओरल और रिटन इम्प्लाइड भी हो सकता है विच इज इम्प्लाइड बाय लॉ पार्टीज में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था लेकिन लॉ बोलता है कि तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है ठीक है तो दिस इज एक्सप्रेस्ड और एम्प्लाइड ऑफर तो यहाँ पर डी हो गया आई हो गया ई e हो गया अब छोटा सा जो सी मैंने वहाँ पर लिखा है ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड अरे सामने वाले पार्टी को हमारे ऑफर के बारे में पता चलेगा तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा ना तो ऑफ़र मस्ट भी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड अच्छा उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है नहीं और अगर इग्नोरेंस में एक्सेप्ट कर लिया देन दैट इज़ नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस तो ये सेंटेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस दैट विल नॉट गिव राइज टू एनी लीगल राइट और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है लालमेन शुक्ला वर्सेज गौरी दत्त क्या नाम है लालमेन शुक्ला वर्सेज गौरी दत्त ये केस लॉ आपको अच्छे से पढ़ के जाना है इस पर क्वेश्चन आते हैं तो डी डेफिनेट एंड नॉट वेग आई ऑफर मस्ट भी डिस्टिंग्विड फ्राम इन्विटेशन टू ऑफर ई ऑफर मस्ट भी एक्सप्रेसड और इम्प्लाइड सी ऑफर मस्ट भी कम्युनिकेटेड अब आ जाते हैं जी पर ऑफर में भी जनरल ऑफर में भी स्पेसिफिक तो जनरल ऑफर हो सकता है या स्पेसिफिक जनरल ऑफ़र इज़ एन ऑफ़र विच इज़ मेड टू द पब्लिक इन जनरल इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी वन हु हैज़ नॉलेज ऑफ द ऑफ़र ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज होनी चाहिए आपको अगर ऑफर के बारे में पता ही नहीं तो आप एक्सेप्ट कैसे करोगे सो जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ द ऑफ़र स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली द पर्सन टू होम इट इज़ मेड जी के बाद आएगा एस क्योंकि जीएसटी हमने लिखा था एस मीन्स ऑफर मस्ट कम्युनिकेट स्पेशल टर्म्स और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो प्लीज़ ऑफर के साथ ही बता दो बाद में अगर आपने बताया देन ऑफर ही इज़ नॉट बाउंड बाई दो टर्म्स एंड कंडीशंस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है ये शिपिंग या फिर होटल इंडस्ट्री के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ड्राई क्लीनिंग बैंकिंग के जो होते हैं ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अभी उनका क्या मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे आप बैंक में चले जाओ तो आपको बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए वो एक फॉर्म देता है आपका फ्रेंड चला जाएगा उसे भी सेम फॉर्म मिलेगा मैं चली जाऊंगी तो मुझे भी वो सेम फॉर्म ही मिलने वाला है बिकॉज दीज आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी वो बैंक में अकाउंट ओपन करने जाएगा उसको वही सेम फॉर्म मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट जनरली हम क्या सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में बनता है उनकी नेगोसिएशन पे बनता है लेकिन ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये भाई इट और लीव इट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तुमको पसंद आए नहीं आए तुमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा तो लॉ होता है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन हैं तो वो प्लीज़ ऑफर के साथ ही बता दो उसे प्रिंट करके दे दो इसीलिए तो अगर आप देखोगे कि बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है उसके साथ में वो तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन के पेपर भी देते हैं हम बिना पढ़े साइन कर लेते हैं वो हमारी गलती होती है बट वी आर एक्सपेक्टेड टू रीड टर्म्स एंड बिफोर दोंग टू कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी अगर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो टर्म्स है दे मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड ठीक है जी एस टी में जी हो गया जनरली स्पेसिफिक ऑफर एस हो गया ऑफर और मस्ट कम्युनिकेट स्पेशल टर्म्स और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब टी की तरफ आ जाते हैं ऑफर और

और बोलता है इफ़ यू डोंट रिप्लाई बाई टुडे इवनिंग फाइव ओ क्लॉक आई विल अज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड माई ऑफर भाई ऐसे कैसे हो सकता है ऑफर मस्ट भी कम्युनिकेटेड सिमिलरली एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो भी कम्युनिकेटेड ना उसके साइलेंस से तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं समझेगा जी हो गया अब आता है एल सी लिविंग सर्टिफिकेट तो एल में क्या आएगा एल में यहाँ पर सबसे हम लिखेंगे ऑफ़ मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन जितने भी बिजनेस या कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें ये अजम्पन है लेकिन जितने भी सोशल या डोमेस्टिक ऑफर्स होते हैं देर इट इज देर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इसीलिए वो ऑफर वैलिड भी नहीं होगा क्योंकि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनाएगा ऑफर मे बी कंडीशनल हाँ कंडीशन अटैच कर सकते हो शर्त बस इतनी है दंडीशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड अलॉन्ग विद द ऑफ़ तो सी आ जाएगा ऑफ मे बी कंडीशनल बट द कंडीशन हैव टू बी कम्युनिकेटेड अलॉन्ग विद द ऑफ़ तो एक बार फिर से लिस्ट में बता देती हूँ आपको डाय सी जी एस टी एल सी डाई मे डी दैट इज ऑफर मस्ट बी सर्टन डेफिनेट नॉट वेग I. Offer must be distinguished from invitation to offer. E. Offer may be expressed or implied. C. Offer must be communicated. G. Offer may be general or specific. S. Offerer must communicate special terms or standard form of contract. T. Offer should not contain a term, the non compliance of which amounts to acceptance.

अगर आपके पास मेरी बुक है तो आपको ये वर्ड्स प्रॉपरली समझ में आ रहे होंगे क्योंकि यही सब हमने हमारे वीडियो लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि ये जो की वर्ड्स हैं इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इन्हें कैसे शुरू से ही याद रखते हैं तो अब आप जब रिविजन कर रहे हो तो इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू अच्छा अगर हमने कुछ क्वालिफ़िकेशन डाल दी वैसे का वैसे ही ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेंस इन फैक्ट इट इज़ अ काउंटर ऑफर एंड काउंटर ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस इट इज़ अ न्यू ऑफर ऑल टुगेदर तो स्टूडेंट्स ये जो हमने प्रोविजन पढ़ा दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सिल्यूट एंड अनकंडीशनल जैसा ऑफर दिया है वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट होना चाहिए विदाउट एनी वेरिएशन मॉडिफिकेशन क्वालिफिकेशन सेक्शन सेवन में इसको कवर किया है सेक्शन सेवन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सेक्शन नंबर भी इम्पोर्टेंट है प्रोविजन भी सारे ही इम्पोर्टेंट है अच्छा फिर उसके बाद में आता है दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड अरे अभी सामने वाली पार्टी को हम अपना एक्सेप्टेंस बताएंगे तभी तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा और एग्रीमेंट बनेगा ना सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू होम

एंड पावल वर्सेस ली पावल वर्सेस ली पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं तो ये नाम आपको बाय हार्ट होना चाहिए इनफैक्ट ये केस लॉ के फैक्ट्स भी आपको अच्छे से आने चाहिए क्योंकि इसी फैक्ट्स को वो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस मस्ट बी एप्सिल्यूट एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मस्ट भी कम्युनिकेटेड इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मस्ट भी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड सो नेक्स्ट प्रोविजन नेक्स्ट असेंशियल एलिमेंट हमारा आएगा साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ठीक है तो इधर हम एक केस लॉ का नाम याद करके जाएंगे फेल्ट हाउस वर्सेज बिंडली फेल्ट हाउस वर्सेज बिंडली नेक्स्ट जो है वो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू होम इट इज़ मेड तो एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है वही पर्सन जिसे ऑफ़र दिया है जैसे जनरल ऑफ़र की अगर मैं बात करूँ तो जनरल ऑफ़र कौन एक्सेप्ट कर सकता है एनी वन हैज नॉलेज ऑफ द ऑफ़र अच्छा स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है ओनली बाय द पर्सन टू होम इट इज़ मेड तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू होम द ऑफर इज़ मेड ठीक है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड स्पेसिफाइड अगर कोई मोड स्पेसिफाई किया जैसे मैं आपको ऑफर देती हूँ डू यू वॉन्ट टू बाई माई कार लेकिन मुझे एक्सेप्टेंस तो कुरियर से ही बताना अगर मोड स्पेसिफाई किया है तो आपको उसी मोड से करना है और अगर कोई भी मोड स्पेसिफाई नहीं किया है तो कोई रीजनेबल मोड से कर लो अच्छा चलो मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे कुरियर से ही आपका रिप्लाई चाहिए अगर आपने कुरियर भेज दिया तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप रेगुलर पोस्ट भेजते हो तो मेरे पास दो ऑप्शन है मैं बहुत गुस्से वाली हूँ मैंने तो तभी के तभी रिजेक्ट कर दिया मैंने कहा था ना कि आप एक्सेप्टेंस कुरियर से भेजना तो फिर आपने रेगुलर पोस्ट क्यों भेजा रिजेक्ट या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ तो मैं आपको बोलती तो चलो कोई बात नहीं एक्सेप्टेंस तो आ गया ना कुरियर नहीं पोस्ट से आ गया मैं रख लेती हूँ देन इन दैट केस दफर विल बी एक्सेप्टेड हाँ लेकिन एक बार आपने वो अदर मोड एक्सेप्ट कर लिया फिर आप रिजेक्ट नहीं कर सकते कौन ये बोलकर कि नहीं यू हैव नॉट गिवन यूर एक्सेप्टेंस इन द प्रिक्राइब मोड एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया फिर तो सबसे पहले हमने पढ़ा दैर एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सिल्यूट एंड अनकंडीशनल सेक्शन सेवन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मस्ट बी given ओनली by द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड एक्सेप्टेंस मस्ट बी given इन द मोड स्पेसिफाइड फिर आ जाता है टाइम अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब है तो मुझे ऑफर उसी टाइम पीरियड में एक्सेप्ट करना है और अगर कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है देन आई विल एक्सेप्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम रीजनेबल क्या होता है ये तो लॉ में डिफाइन ही नहीं किया है इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवेन बिफोर द ऑफर लैप्सिस और बिफोर इट इज़ विथ ड्रॉन लैप्स मतलब टू कम टू एन एंड तो मेरा जो ऑफर है इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर द ऑफर लैपेज अच्छा तो मुझे एक्सेप्टेंस देना है बिफोर द ऑफर लैप्स या फिर बिफोर द ऑफर इज विथड्रॉन लास्ट में यही आएगा आई कैन हैव एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस या फिर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस्ड मतलब इट इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स स्पोकन और रिटन एम्प्लाइड मतलब इट इज़ मेड अदरवाइज दैन इन वर्ड्स अच्छा एम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का पहले तो एक्सप्रेस के एग्जाम्पल दे देती हूँ क्योंकि उसपे कभी कभार क्वेश्चन आते हैं एक्सप्रेसड एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स हैं ओरल या रिटर्न में जैसे टेलीफोन मैसेजेस हो गए या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया लेटर्स हो गए एम्प्लाइड में अदरवाइज दैन इन वर्ल्ड है तो इधर बेस्ट एग्जाम्पल है कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक्स मोबाइल कंपनी का जहाँ पर मिसिज़ कार्लिल ने अपना एक्सेप्टेंस दिया था बाई परचेसिंग एंड यूजिंग द प्रोडक्ट एज फॉर द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस वो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो बस चला रही है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत अच्छे से आएगा कि बस जो है रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट इट इज़ एन ऑफर हम उसमें बैठ जाते हैं दैट इज़ एक्सेप्टेंस

एक्सेप्टेंस इस पर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी किया था मेरा यूट्यूब चैनल है सी ए प्रीति अग्रवाल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी के अभी जाओ और YouTube पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करना सी ए प्रीति अग्रवाल क्योंकि यहाँ पर मैंने सी ए फाउंडेशन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस किए हैं तो वो कॉन्सेप्ट वीडियो में एक वीडियो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो एग्जांपल मैंने वहाँ पर किया है वही आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ ध्यान से सुनना अगर आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ में आ जाता है तो इसमें सारी प्रोविजन्स समझ में आ जाएंगी अच्छा अगर सेक्शन नंबर्स की बात करें तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड सेक्शंस हैं थ्री टू सिक्स यहाँ पर हमें इंडिविजुअल सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इंडिविजुअल सेक्शन चाहिए तो आप मेरी बुक रिफ़र कर सकते हो बट मेरे हिसाब से इतना सब एग्ज़ाम में नहीं आता है सिर्फ़ आप उसका एग्ज़ाम्पल अच्छे से करके जाना एक्स ऑफर्स टू सेल हिस्स फ्लैट टू वाई फॉर फिफ्टी लैक्स तो एक्स ने अपना फ्लैट वाई को ऑफर किया वो भी लेटर लिख के कि क्या तुम मेरा फ्लैट खरीदोगे फिफ्टी लैक्स में ना दिस ऑफर वॉज पोस्टेड ऑन फिफ्थ ऑफ अप्रैल विच रीच्ड वाई ऑन सेवेंथ अप्रैल वाई ने अपना एक्सेप्टेंस दिया ऑन एथ ऑफ अप्रैल जो एक्स को मिला ऑन टेंथ तो एक्स ने अपना ऑफ़र दिया फिफ्थ को लेकिन वो पहुंचा वाई को सेवेंथ को तो जिस दिन वाई को ऑफ़र के बारे में पता चलेगा तभी हम बोल सकते हैं ना भाई हमारा ऑफ़र पहुंच गया हमारा ऑफ़र कम्युनिकेट हो गया सो कम्युनिकेशन ऑफ़ ऑफ़र इज़ कंप्लीट ऑन सेवेंथ दैट इज़ व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ़ वाई नॉलेज वर्ड यहाँ पर दिया है इसका मतलब है सिर्फ वाई को लेटर मिल गया इससे काम नहीं चलेगा वाई ने वो लेटर पढ़ लिया उसे ऑफर के बारे में पता चल गया ओनली देन वी कैन से दैट द ऑफर इज प्रॉपरली कम्युनिकेटेड देन वी हैव कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वेन इज इट कम्प्लीट एज अगेंस्ट द ऑफर हम कब बोल सकते हैं कि ऑफरर एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो जब वाई लेटर पोस्ट कर देता है वो डब्बे में डाल देता है देन वी कैन से कि एक्स का ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो यहाँ पर डेट होगी एट ऑफ अप्रैल अच्छा वाई के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक्स को मिल जाता है विच इज ऑन टेंथ ऑफ अप्रैल तो जैसे ही वाई ने लेटर पोस्ट कर दिया एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया अब वो ऑफर किसी और को नहीं दे सकता और जैसे ही वो लेटर एक्स को मिल जाता है वाई बोलता है चलो भाई मेरा एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया वाई को वो लेटर मिल गया वाई ने पढ़ लिया सो दीज वर द प्रोविजन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अच्छा हमने ऑफर कम्युनिकेट तो कर दिया लेकिन अब रियलाइज हो रहा है यार नहीं करना चाहिए था तो हम रिवोकेशन भी कर सकते हैं ऑफर कौन से डेट से पहले रिवोक होगा जो डे पे एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना दैट इज ऑन एट हम उसके पहले रिवोकेशन कर सकते हैं वाई कब अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करेगा एनी टाइम बिफोर टेंथ दैट इज एनी टाइम बिफोर ही इज बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस तो इन दोनों पार्टीज के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके पहले वो रिवोकेशन कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये थे प्रोविजंस रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो डिस्कस किया है सेक्शन थ्री से लेके सेक्शन सिक्स तक नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैप्स ऑफ ऑफर इस पे जनरली थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं तो ये लिस्ट आपको याद करके जानी है लैप्स ऑफ ऑफर मीन्स वेन ऑफर कम्स टू एन एंड लैप्स हो सकता है बाय रिवोकेशन रिवोकेशन मतलब पहले मैंने ऑफ़र दिया फिर उसे वापस बुला लिया तो मेरा ऑफर जो है वो लैप्स हो जाएगा खत्म हो जाएगा एंड हो जाएगा लैप्स ऑफ टाइम अरे मैंने जो टाइम दिया था वो ख़त्म हो गया तो इट मीन्स ऑफर लैप्सिस और अगर टाइम ही नहीं दिया तो रीज़नेबल टाइम एक्सपायर होने तक मेरा होने के बाद मेरा ऑफ़र लैप्स हो जाएगा लैप्स बाय डेथ और इंसानिटी ऑफ आइदर ऑफ़र और ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस तो ऑफर ने ऑफर तो दे दिया लेकिन एक्सेप्टेंस के पहले ही ही डाइड तो अब अगर ऑफरी को इसके बारे में पता है तो वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं ऑफर लेकिन अगर ऑफरी ने इग्नोरेंस में एक्सेप्टेंस दे दिया उसको ऑफर के डेथ के बारे में पता ही नहीं है देन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इन टू एक्जिस्टेंस लेकिन वो परफॉर्म कौन करेगा ऑफर तो है ही नहीं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर लेगा अच्छा ऑफर ही डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस तो ऑफ़र लैप्स हो जाएगा अब कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता लैप्स बाई फेलियर टू एक्सेप्ट द कंडीशन प्रोसीड एंड हमने एक्सेप्टेंस के साथ कुछ कंडीशन डाली थी जैसे मैं आपको अपना टेलीविजन सेट सेल करूंगी फॉर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्रोवाइडेड यू सेंड अ सेंड एन एडवांस ऑफ रुपीज़ फाइव थाउजेंड अलॉन्ग विद एक्सेप्टेंस तो मैंने शर्त रखी थी कि एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगा जब आप मुझे फाइव थाउजेंड का एडवांस दोगे एक्सेप्टेंस के साथ आपने अपना एक्सेप्टेंस तो दे दिया लेकिन एडवांस नहीं भिजवाया ऑफर लैप्सिस बिकॉज यू हैव नॉट सेंड द एडवांस यू हैव नॉट fulfilled the condition precedent. Offer, lapse by counter offer. offer, offer this is प्रायर मैंने वाली पार्टी ने ओरिजिनल ऑफर जो है रिजेक्ट हो जाता है ओरिजिनल ऑफर लैब्सिस एंड वी गिव अ न्यू ऑफर ऑल टूगेदर बाय नॉट एक्सेप्टिंग इन द प्रिस्क्राइब मोड जो मोड मैंने बताया कुरियर से ही अपना रिप्लाई भेजना आपने उसको रेगुलर पोस्ट से भेजा तो मेरे पास ऑप्शन है टू रिजेक्ट इट और अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया देन ऑफर लैपिस क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड में नहीं दिया मैंने आपका एक्सेप्टेंस लिया ही नहीं ऑफर लैपिस बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरी ऑफरर ने ऑफर दिया विल यू मैरी मी ऑफरी बोलती है नो तो ऑफर रिजेक्ट हो गया ऑफर लैप्स हो गया बाई सब्सिक्वेंट इलिगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हमने ऑफ़र तो दे दिया लेकिन बाद में वो इलीगल हो गया या जिस चीज़ के लिए हमने ऑफ़र दिया था वही डिस्ट्रॉय हो गई ऑफर लैप्सेस। तो ये थे सारे प्रोविजन्स रिलेटिंग टू लैप्स ऑफ ऑफर यहाँ पर हमने जो सेक्शंस पढ़े वो थे सेक्शन टू क्लॉज ए डेफिनेशन ऑफ ऑफर टू क्लॉज बी डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस Communication of offer acceptance section 3 to section 6. Acceptance must be absolute and unqualified, unconditional. Section 7. Section 8 is not important for exam. Section 9. Expressed offer or acceptance. Implied offer or acceptance. So expressed or implied offer or yeah, acceptance jo humne pada, that is covered under section 9. तो so स्टूडेंट्स ये था हमारा एपिसोड टू ऑफ एंड एक्सेप्टेंस कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कैसा लगा आपको ये वीडियो मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ कवर कर दिया आई एम सो हैप्पी कि ये लेक्चर्स हमारे इतने अच्छे से चल रहे हैं और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही uh, मेरी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं तो आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ़ दीज ऑडियो लेक्चर्स एकदम वैसे ना मुझे आरजे वाली फ़ीलिंग आ रही है जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं रेडियो पर हूँ और आप सब मेरी ऑडियंस हो तो मुझे एकदम आरजे वाली फ़ीलिंग आ रही है कि मैं आपके साथ इस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हूँ बस अभी वही बात कि रह गया ये YouTube वगैरह पे लेक्चर्स दे रहे हैं अभी बस आर जे रेडियो जॉकिंग करनी है दैट इज़ वन थिंग ऑन माई बकेट लिस्ट नाउ तो चलो स्टूडेंट्स आज बस आज के लिए इतना ही करते हैं एपिसोड टू में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बाद आपको वो टेनैक्स वाला वीडियो भी देखना है जहाँ पर हम फिर से सारे सेक्शंस और हेड पॉइंट्स रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल मीट फॉर एपिसोड थ्री जहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कंसिड्रेशन कुछ देना और कुछ लेना उसकी बात करेंगे बिकॉज कंसिड्रेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न यस तो फटाफट -फड़ इसके बाद आप वो टेन एक्स वीडियो देख लेना एंड देन वी विल मीट अगेन इन एपिसोड थ्री जहाँ पर हम कंसिड्रेशन डिस्कस करेंगे सुन रहे हैं लॉ का ऑडियोनामा बाई सी ए प्रीति अग्रवाल लॉ बनाए आसान